केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने से ठीक पहले टीडीपी ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम यानी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया था कि वे मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। टीडीपी की सरकार आने पर इस फैसले को बदला नहीं जाएगा। नायडू ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें कहा था, मुसलमानों में आज भी गरीबी बनी हुई है, ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी क्रम में हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बचाएंगे, इसमें कोई अन्य विचार नहीं है। अब टीडीपी नेता रविंद्र कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। It's not the stage today to discuss the demands, but we are a part of NDA. The question of demand doesn't arise. It is a people alliance. We used to take the assistance of the center whenever required. We used to take the schemes of the center and also center states sharing seats and also AP reorganization act. So many things are there. It is ongoing process. It is an ongoing process. First priority is Andhra Pradesh has to be reconstructed since it has gone back for 25 years. Muslim reservation will be continue in Andhra? Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra? Yes, we will continue in that. There is no problem at all. वही टीडीपी का यह फैसला बीजेपी के लिए टेंशन वाला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर इसी आरक्षण को लेकर लगभग हर एक रैली में हमला किया। पीएम ने यहां तक कहा कि जब तक वो हैं, देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। उन्होंने इसे गैर कानूनी भी बताया। कर्नाटक में कांग्रेस ने संविधान बदलने, SC ST OBC का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं और यह छठी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन में दूसरा सबसे बड़ा दल टीडीपी ही है। जाहिर है कि टीडीपी का साथ जरूरी है। अब देखना है कि क्या मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी अपने रुख को लचीला करेगी या यही मुद्दा भविष्य में दोनों दलों के बीच टकराव का मुद्दा बनेगा। चुनाव आज तक।